कैसे हो? मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए, आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है जोकर। तो आओ पढ़ते हैं चौथा पाठ जोकर। ये है हमारे पाठ की शुरुआत। क्या लिखा है? पढ़ो, समझो और लिखो। पाठ का नाम है जोकर, चौथा पाठ जोकर। अब देखो यहाँ अंत में क्या लिखा है। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है। तो इस पाठ में हम मुहावरे और कहावतों का अभ्यास करने वाले हैं, यह बात ध्यान में रखना। ये है हमारा पाठ जोकर। थोड़ा अलग सा ये पाठ है, बिल्कुल छोटा सा पाठ है, लेकिन इस पाठ के द्वारा हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखने वाले हैं। ये देखो जोकर कितने रंग रूप में सामने आ रहा है। उसके चेहरे का हाव भाव हर एक चित्र में अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो आओ पाठ पढ़ते हैं जोकर। इस चित्र में सर्कस में दिखाई जाने वाले अलग अलग खेल, अलग अलग प्राणी और खेल को खेलने वाले जो युवक युवतियां हैं, उनके बारे में यहाँ चित्र दिए हैं। और ये है जोकर्स। ये सब जोकर सर्कस में सबको हंसाने का काम करते हैं। ये देखो सर्कस के कुछ और दृश्य हैं। इनमें अलग अलग तरह की कसरतें या झूले का खेल, प्राणियों के खेल, इस तरह अलग अलग साहसी खेल इस सर्कस में दिखाई दिए जाते हैं। आओ तो अब हमारा पाठ पढ़ते हैं जोकर। जो पहला चित्र दिया है उस चित्र के पास जो वाक्य है उसे पढ़ते हैं। एक जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। क्या लिखा है? जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। तो देखो इस चित्र में जोकर क्या कर रहा है, रस्सी पर चल रहा है और साथ ही साथ उसके हाथों में जो बॉल है उनको आकाश में उछालकर फिर से झेल रहा है। एक ही हाथ से वह झेल रहा है, दूसरे हाथ में छतरी पकड़ी हुई है और वह अपना बैलेंस संभालते हुए इस रस्सी पर से चल रहा है। तो यह अपने जान पर खेल कर, इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान की परवाह न करते हुए ये अपनी कलाबाजियां दिखा रहा है।
कलाबाजिया इसका मतलब है उसके कला कौशल दिखा रहा है। जान पर खेलना इसका मतलब है प्राणों की परवाह न करना। तो जान पर खेलना इस मुहावरे का अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। हम शपथ लेते हैं कि जान पर खेलकर भी अपने देश की रक्षा करेंगे। कलाबाजियां दिखाना, अपनी कला को प्रस्तुत करना। जादूगर अपनी कलाबाजियां दिखाकर लोगों को चकित कर देता है। तो इस तरह यहाँ ये जो मुहावरे हैं, इनका हमने वाक्य में प्रयोग किया है। तो जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। जोकर क्या करता है? झूठ मूठ का ठहाका लगाता है। झूठ मूठ का यानी बेवजह, ठहाका लगाना यानी जोर जोर से हंसना। तो वह खुद भी झूठा मूठा जोर जोर से हंसता है और लोगों को भी हंसाता है। तो ठहाका लगाना इसका मतलब क्या है? जोर जोर से हंसना। ठहाका लगाना यह मुहावरा है, उसका अर्थ है बहुत जोर से हंसना। आओ इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। मजेदार चुटकुले सुनकर सब ठहाका लगाने लगे। इसका मतलब जोक सुनकर सब हंसने लगे। स्कूल की पुरानी यादों को याद करके सारे दोस्त ठहाका लगाने लगे। तो इस तरह मुहावरों को हमें अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है। तीसरा, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। देखो, जब वह ठहाका लगाता है तो उसकी अपेक्षा होती है कि लोगों ने भी उसकी तरह ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसना चाहिए, लेकिन उचित यानी योग्य प्रतिसाद यानी जो आवश्यक क्रिया है, सकारात्मक क्रिया है, वह न करना। तो जोकर का मन महसूस कर रह गया, इसका मतलब वह इस बात पर कुछ नहीं कर पाया, कुछ न कर पाना। मन महसूस कर रह जाना इसका मतलब है कुछ न कर पाना। तो यह जो मन महसूस कर रह जाना है, इसका हम अब वाक्य में प्रयोग करेंगे। मन महसूस कर रह जाना, कुछ न कर पाना। सिनेमा देखने के लिए सभी परिवार के सदस्य हाउसफुल का फलक देखकर मन महसूस कर रह गए। उचित यानी योग्य प्रतिसाद यानी सकारात्मक प्रतिक्रिया। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों ने क्या किया? जोकर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद देना यानी थैंक्स बोलना। तो जब बच्चों ने उसे थैंक्स बोला तो वह फूला न समाया। फूला न समाना इसका मतलब बहुत खुशी होना, उसको बहुत खुशी हो गई। देखो तो उसके चेहरे पर वह खुशी कैसे दमक रही है। फूला न समाना अत्यधिक खुश होना। नाना नानी से मिलकर बच्चे फूला न समाए। समाप्त यानी खत्म। धन्यवाद यानी कृतज्ञता, जिसे हम थैंक्स कहते हैं। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। जो बच्चे आए थे उनमें से एक बच्चे ने जोकर की नकल की। नकल करना इसका मतलब दूसरे की बोलने की, चलने की, हाव भाव की जो क्यों क्रिया करना।
वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, उसी की तरह करके बताना। इसे कहते हैं नकल करना। तो यह बच्चे को नकल करते देख जोकर दंग रह गया। दंग रह गया इसका मतलब आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बच्चे ने बड़े ध्यान से जोकर की हर क्रिया को देखा था और उसे जो क्या क्यों करके दिखाया था। नकल करना इसका मतलब है किसी के बात, व्यवहार, हाव भाव आदि को जैसे के तैसे करना। शिशु उम्र के बच्चे हमेशा बड़ों की नकल करते हैं। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। जादूगर के जादू के खेल देखकर सभी दंग रह गए। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। देखो तो ये कैसे बच्चों को आंखें दिखा रहा है। जो बच्चे शोर मचाते हैं उनको जोकर आंखें दिखाता है। शोर मचाना यानी हल्ला गुल्ला करना, आंखें दिखाना यानी गुस्सा दिखाना, क्रोधित होना। तो यहाँ जोकर क्या करता है, शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। शोर मचाना, हल्ला गुल्ला मचाना। माँ बाजार से लौट आई तो बच्चों ने खाने के लिए माँ के सामने शोर मचाया। आंखें दिखाना बहुत क्रोध करना। राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आंखें दिखाने लगा। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यह जो जोकर है वह क्या करता है, जो दूसरे कलाकार होते हैं जो अपनी कला दिखाते हैं तो उनके बीच में जा जाकर ऐसे कहता है जैसे वह कला मैंने ही उन्हें सिखाई है या वह कला मुझे भी आती है। इस तरह कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय वह लेता है। श्रेय लेना यानी दूसरे के अच्छे काम खुद ने किए हैं इस तरह बताना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यह एक कहावत है। इस कहावत के अनुसार यह है कि जो मौका परस्त लोग होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वह जैसे हवा आती है वैसे मुंह पलटते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मौका मिलना, अवसर मिलना। वार्षिक समारोह में हर छात्र को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलता है। श्रेय लेना दूसरे के काम को अपना बताना। दूसरे के अच्छे काम का श्रेय खुद लेना बुरी बात है। कर्तव्य यानी कौशल या कला। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब है अवसरवादी होना, अपने स्वार्थ के लिए परिस्थिति के अनुसार बदल जाना। दोगलेपन वाले व्यक्ति का व्यवहार हमेशा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास इस तरह का होता है। आठवां, गाना तो आता नहीं। और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखो इस चित्र में ये जोकर जो है हाथ में माइक लेके गाने का नाटक कर रहा है, लेकिन उसे गाना तो आता ही नहीं है। तो देखो कैसा गला पकड़ के कहता है मेरा तो गला खराब है। गला खराब होना इसका मतलब है गले में खराश होना, बोलते व गाना गाते व गले में तकलीफ होना। तो यह बात सच नहीं है, उसे गाना आता ही नहीं है। तो इसे
एक कहावत में इस तरह कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो जिसको नाचना आता नहीं है उसे वह नाच नहीं कर सकता है, लेकिन यह बात तो वह बताता नहीं है। वो क्या कहता है, नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं नाच कर सकता, यहाँ तो आंगन कैसा है, टेढ़ा है, ऊंचा नीचा है, मैं यहाँ नाच नहीं कर सकता। तो इस तरह यहाँ गला खराब होना और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह जो कहावत है यह भी हमने देखी है। गला खराब होना, गले में खराश होना। सर्दी की वजह से मेरा गला खराब हो गया था। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। कुछ लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर काम के वक्त मुंह फेर लेते हैं। कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखो बच्चों, जोकर इस पाठ में हमने बहुत सारे मुहावरे और कुछ कहावतें सीखी है, पढ़ी है, उनके अर्थ जाने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग भी किया है। तो मुहावरा किसे कहते हैं, कहावत किसे कहते हैं, यह बात भी हम समझ लेते हैं। मुहावरा या कहावत यह किसी भी भाषा में आने वाला वह वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बताता है। इसका मतलब जो शब्द उसमें होते हैं, उन शब्दों का जो अर्थ होता है वह अर्थ न बताकर कुछ अलग ही अर्थ यह मुहावरे और कहावते बताते हैं। मुहावरों के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक सादृश पर आधारित मुहावरे। बहुत से मुहावरे सादृश या समानता पर आधारित होते हैं, जैसे चुड़िया पहनना। चुड़िया पहनना इसका मतलब है कायर या डरपोक बनना। दाल न गलना इसका मतलब सफल न होना। सोने पे सुहागा इसका मतलब बेहतर होना। कुंदन सा चमकना यानी सोने के भांति चमकना। पापड़ बेलना इसका अर्थ है कठिनाई और समस्या का आना। दूसरा प्रकार है शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरे। हिंदी भाषा के अंतर्गत इस वर्ग में बहुत मुहावरे मिलते हैं, जैसे अंग अंग ढीला होना इसका मतलब बहुत ज्यादा थक जाना। आंखें चुराना इसका मतलब है नजर बचाना या नजर झुकाना। अंगूठा दिखाना इसका अर्थ है इनकार करना। आंखों से गिरना इसका मतलब सम्मान खो देना। सिर हिलाना यानी हाँ में हाँ मिलाना या स्वीकृति देना। उंगली उठाना यानी दोष लगाना, निंदा करना। छाती पर सांप लोटना इसका मतलब है ईर्ष्या या जलन होना। तलवे चाटना इसका मतलब खुशामत करना। दांत खट्टे करना इसका अर्थ है पराजित करना। नाक रगड़ना विनती करना। पेट दिखाना लड़ाई से भाग जाना। मुंह काला करना इसका मतलब कलंकित होना। तीसरा प्रकार है असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे। इस तरह के मुहावरों में वाच्यार्थ के स्तर पर इस तरह की स्थितियां दिखाई देती है जो असंभव प्रतीत होती है। इसका मतलब जो कभी हो नहीं सकता ऐसी स्थिति। तो उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पानी में आग लगाना इसका मतलब असंभव को संभव कर दिखाना। पत्थर का कलेजा होना इसका मतलब अत्यधिक कठोर होना। अब देखो यहाँ ये जो मुहावरे हैं, पानी में आग लगाना, पानी में कोई आग लगा सकता है क्या, तो ये असंभव बात है। उसी तरह पत्थर का कोई कलेजा होता है क्या, नहीं होता है। तो ये जो मुहावरे हैं यह असंभव स्थिति को दर्शाते हैं।
लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अर्थ अलग होता है। जमीन आसमान एक करना, इसका मतलब कड़ी मेहनत करना। सिर पर पांव रखकर भागना, इसका मतलब बहुत तेज भागना। हथेली पर सरसों जमाना या हथेली पर सरसों उगाना, इसका मतलब असंभव को संभव करना या कठिन काम को शीघ्रता से करना। हवाई किले बनाना, इसका मतलब काल्पनिक योजनाएं बनाना। दिन में तारे दिखाई देना, इसका मतलब घबरा जाना, दिमाग ठिकाने पर न रहना। आगे का प्रकार है कथाओं पर आधारित मुहावरे। कुछ मुहावरों का जन्म लोक में प्रचलित कुछ कथा कहानियों से होता है, जैसे टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना इसका मतलब है मुश्किल काम या कठिन कार्य करना। एक और एक ग्यारह होना, इसका मतलब एकता में बल होना। हाथों हाथ बिक जाना यानी बहुत कम समय में बिक जाना। सांप को दूध पिलाना, इसका मतलब दुष्ट व्यक्ति को आश्रय दिलाना। रंगा सियार होना, इसका मतलब कपटी या दुष्ट होना। दुम दबाकर भागना, इसका अर्थ है डर कर भाग जाना। पांचवा प्रकार है प्रतीकों पर आधारित मुहावरे। कुछ मुहावरे प्रतीकों पर आधारित होते हैं, जैसे एक आंख से देखना, इसका मतलब सबको समानता से देखना, सबके साथ साथ समानता से व्यवहार करना। एक ही लकड़ी से हाँकना, इसका मतलब है अच्छे बुरे में अंतर न करना, सबको एक समान ही न्याय करना। एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना, इसका मतलब है सभी लोग समान होना। इन तीनों मुहावरों में एक शब्द समानता का प्रतीक है। इसी तरह डेढ़ पसली का होना, इसका मतलब बहुत दुबला पतला लेकिन झगड़ालू आदमी होना। ढाई चावल की खीर पकाना, इसका मतलब किसी को सहायता न करते सिर्फ अपना काम करना। ढाई दिन का बादशाह होना, इसका मतलब थोड़े समय के लिए अधिकार मिलना। तो यहाँ डेढ़ या ढाई ये जो शब्द है ये नगण्यता न्यूनता को दर्शाते हैं। छठा प्रकार घटनाओं पर आधारित मुहावरे। कुछ मुहावरों के मूल में कोई घटना भी रहती है, जैसे कांटा निकालना, इसका मतलब बाधा दूर करना। काव काव करना, शोरगुल करना, हल्ला मचाना। ऊपर की आमदनी यानी गलत तरीके से पैसे कमाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब पुरानी बातें याद करना। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करो। पहला, जान पर खेलना। दूसरा, मन महसूस कर रह जाना। तीसरा, फूला न समाना। चौथा, आंखें दिखाना। पांचवा, ठहाका लगाना। प्यारे बच्चों, आज हमने जोकर इस पाठ को पढ़ा है। आपको यह पाठ बहुत पसंद आया ना? कितने मजे वाली बात, कितने रंग बिरंगे चित्र आज हमने देखे और कितने सारे मुहावरे, कितनी सारी कहावतों को पढ़ा है, समझा है। तो अगले पाठ में हम इस पाठ के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिए है उसे पूरा करने के लिए जरूर मिलेंगे।
आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना। और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।